हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू योर फिफ्थ चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्व पॉलिटिकल साइंस बुक दैट इज चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ़ द कांग्रेस सिस्टम सो दिस वीडियो इज पार्ट फोर्थ ऑफ दिस चैप्टर एंड आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टॉपिक नंबर फोर द नाइनटीन इलेक्शन एंड री ऑफ कांग्रेस सो जैसे कि चैप्टर का नाम है चैलेंजेस टू एंड रीइ्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम सो so, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में कांग्रेस सिस्टम को कौन से कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े सो so उन सारे ही चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है सो so, नाउ अब हम लोग टॉपिक नंबर फोर में फाइनली कांग्रेस सिस्टम की री स्टोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी दोबारा से अपने डोमिनेंस को स्टेबलाइज करती है सो so, उसी के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं सो so नाउ अब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं सो so, जैसे कि हम लोगों ने इस चैप्टर के थर्ड टॉपिक में डिस्कस किया था अबाउट द स्प्लिट इन द कांग्रेस सो 1969 में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हो जाता है डिवीजन हो जाता है इनटू कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर सो कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होने की वजह से इंदिरा गांधी जी का जो सरकार था जो गवर्नमेंट था सेंट्रल लेवल पे सो so वो माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाता है सो so एक तो पहले 1967 नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही ज्यादा कम मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिला था मतलब जैसे तैसे करके कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिला एंड कांग्रेस पार्टी ने सेंटर में अपने गवर्नमेंट को फॉर्म किया बट कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होने की वजह से जब जो कांग्रेस ओ के जो लीडर्स थे जो मेंबर्स थे सो so वह इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट से स्प्लिट हो जाता है इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट को छोड़ के चला जाता है सो so इस वजह से इंदिरा गांधी जी का जो सरकार था जो गवर्नमेंट था सो so वो माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाता है बट फिर भी इंदिरा गांधी जी अपने गवर्नमेंट को कंटिन्यू करती है विद द इशू बेस्ड सपोर्ट ऑफ अ फ्यू अदर पार्टीज़ सो उस टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी जी दूसरे जो अपोजिशन पार्टीज थे जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके सो इन सारे पार्टीज के साथ यानी कि इंदिरा गांधी जी इन सारी पार्टीज के सपोर्ट को लेती है और इन सारी पार्टीज के सपोर्ट के साथ वो अपने गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखती है सो कांग्रेस ओके जब मेंबर्स इंदिरा गांधी की सरकार को छोड़ के चले गए सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड डीएमके के कुछ जो मेंबर्स थे सो so वो इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं एंड दोबारा से इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट को मेजोरिटी में ला रख देते हैं एंड इसी वजह से इंदिरा गांधी जी अपने गवर्नमेंट को कंटिन्यू करती है ना नेक्स्ट में बता रखा है कि नाइनटीन से लेकर जब तक फिफ्थ जनरल इलेक्शन नहीं हुआ सो इस टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा हमारी कंट्री में क्या कुछ किया गया सो so, वो जो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी जी की सरकार बिना कांग्रेस ओक okay के मेंबर्स के वर्क कर रहा था सो इस टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा कुछ जो सोशलिस्ट वर्क थे जो सोशलिस्ट प्रोग्राम्स थे सो उसके ऊपर काम किया गया सो so, पहले ही इंदिरा गांधी जी ने अपने पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया था जिसमें हमें बेसिकली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी देखने को मिला सो उन्हीं सारे प्रोग्राम्स को इंदिरा गांधी जी कंटिन्यू कर रही थी अपने रूलिंग टाइम पीरियड के दौरान गरीबों के ऊपर ज़्यादा से ज्यादा इंदिरा गांधी जी ध्यान दे रही थी एंड इसी फेज में यानी कि इसी टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत ही जोरदार तरीके से कुछ कैंपेन यानी कि कुछ आंदोलन को भी लीड किया गया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म लॉस सो लैंड रिफ़ॉर्म लाया जाए लैंड रिफॉर्म लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए सो so, इस चीज़ को करने के लिए इंदिरा गांधी जी के द्वारा बहुत ही ज़ोरदार तरीके से कैंपेन वगैरह किया गया इसके अलावा लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन के लिए भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा फोर्स किया गया लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन यानी कि लैंड के अमाउंट में एक अपर लिमिट को सेट करना सो so, ये सब कुछ इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा था नाइनटीन के बाद यानी कि कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट होने के बाद ना नेक्स्ट हमें लोकसभा के डिसोल्यूशन के बारे में बता रखा है सो so, ऐसे थ्री रीजंस थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है सो so, पहला ये है कि इंदिरा गांधी जी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी सो एज वी हैव कि जब कांग्रेस ओ के जो मेंबर्स थे जब वो इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट को छोड़ के चले जाते हैं सो so इंदिरा गांधी जी का जो सरकार था वो माइनॉरिटी में रिड्यूस हो जाता है सो so, उस टाइम पीरियड के दौरान दूसरे कुछ पार्टीज के लीडर्स थे जो कि इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट को ज्वाइन करते हैं सो so, दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स थे सो so कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी को उनको साथ में लेकर चलना पड़ रहा था कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के ऊपर डिपेंड थे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए सो so, इंदिरा गांधी जी इंडिपेंडेंट डिसीजन को लेना चाहती थी सो so, उनका जो डिपेंडेंस था इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर सो so इसको ख़त्म करने के लिए एंड दूसरा रीज़न है टू स्ट्रेंथन हर पार्टीज पोजीशन इन द पार्लियामेंट सो जैसे कि नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन के इलेक्शन की, की बात कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस बहुत ही ज्यादा खत्म हो गया था कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा था सो so, इंदिरा गांधी जी दोबारा से अपने पार्टी के पोजीशन को मजबूत बनाना चाहती थी कांग्रेस पार्टी के डोमिनेशन को रिस्टोर करना चाहती थी एंड तीसरा रीज़न है टू सीक अ पॉपुलर मैंडेट फॉर हर प्रोग्राम्स यानी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स को लॉन्च किए जा रहे थे सो उन सारी चीज़ों में इंदिरा गांधी जी का ही पावर रहे यानी कि इंदिरा गांधी जी के पास सुप्रीम अथॉरिटी रहे अपने प्रोग्राम्स को कैरिड आउट करने में इंदिरा गांधी जी इंडिपेंडेंटली सब कुछ करना चाहती थी सो ये तीन मेन रीज़न थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए सो प्रेसिडेंट के द्वारा फाइनली दिसंबर 1970 में लोकसभा को डिजोल्व कर दिया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी सो इंदिरा गांधी जी का ये जो डिसीजन था लोकसभा को डिजोल्व करने का सो so ये उनका एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग एंड बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मूव था एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेप था एंड जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर अपने क्लास इलेवन पॉलिटिकल साइंस बुक में पढ़ा होगा कि जब प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को डिजोल्व कर दिया जाता है सो so उसके बाद कंट्री में फ्रेश इलेक्शन होता है सो so, उसके बाद फाइनली फेबर नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटी वन में हमारी कंट्री में फिफ्थ जनरल इलेक्शन होता है टू द लोकसभा सो फिफ्थ जनरल इलेक्शन नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू में होने वाला था बट जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा को डिजोल्व कर दिया गया सो नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन में ही हमारी कंट्री में फिफ्थ जनरल इलेक्शन होता है एंड और एक रीज़न जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकसभा को डिजोल्व कर दिया जाता है वो ये है कि इंदिरा गांधी जी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि अगर मैं लोकसभा को डिजोल्व कर देती हूँ और कंट्री में दोबारा से फ्रेश इलेक्शन होता है देन जीत मुझे ही मिलेगी मैं मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ दोबारा से लीड करूंगी दोबारा से अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करूंगी एंड अगर मुझे जीत मिलती है सो so ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे सो so इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा सो so इस वजह से भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकसभा को डिजोल्व किया जाता है एंड फाइनली नाइनटीन में हमारी कंट्री में फिफ्थ जनरल इलेक्शन होता है सो विद दिस हमारा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द कंटेस्ट सो so, इस टॉपिक में हम लोग नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन के जनरल इलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे सो so, इस इलेक्शन में हमें तीन मेजर पार्टीज देखने को मिलता है एंड तीन मेजर पार्टीज के बीच में ही हमें कंपटीशन देखने को मिलता है सो so, पहला है कांग्रेस आर यानी कि इंदिरा गांधी जी का कांग्रेस दूसरा है कांग्रेस ओ यानी कि कांग्रेस में जो इन्फ्लुएंशियल एंड जो ओल्ड लीडर्स थे उनका कांग्रेस एंड तीसरा है ग्रैंड अलायंस सो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस आर के बारे में डिस्कस करते हैं सो so, ये नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन का जो इलेक्टोरल कंटेस्ट था सो so ये कांग्रेस आर के अगेंस्ट में था यानी कि ये दोनों जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे सो so वो कांग्रेस आर के खिलाफ में थे अगेंस्ट में थे वो नहीं चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी दोबारा से हमारी कंट्री का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आर की जीत हो एंड आफ्टर ऑल ये जो न्यू कांग्रेस था सो so ये न्यू कांग्रेस पुराना जो भी कांग्रेस था उसी का एक फैक्शन था उसी का एक पार्ट था सो नाइनटीन हंड्रेड एंड 67 के इलेक्शन के बाद ही कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा वीक बन गया था जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी हार गया था सो कांग्रेस पार्टी पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक था और ये जो न्यू कांग्रेस था कांग्रेस आर सो कांग्रेस आर उस वीक कांग्रेस पार्टी का ही एक फैक्शन था एक भाग था सो so, इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों के द्वारा ये सोचा गया कि इस इलेक्शन में कांग्रेस आर को उतना ज़्यादा वोट्स नहीं मिलेगा सो कांग्रेस आर ने सी पी आई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अपना एक अलायंस बनाया नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन के इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए सो नाउ नेक्स्ट हम लोग कांग्रेस ओ के बारे में डिस्कस करते हैं सो so, उस टाइम पीरियड के दौरान ज्यादातर लोगों को यही लग रहा था कि पुराने कांग्रेस पार्टी का जो रियल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है सो so वो कांग्रेस ओ के कमांड में ही है क्योंकि कांग्रेस ओ में ज़्यादातर जो पुराने कांग्रेस के लीडर्स थे वे सारे लीडर्स कांग्रेस ओ में ही थे जो ओल्ड लीडर्स थे सो तो वो सारे लीडर्स कांग्रेस ओ में थे सो तो ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस ओ ही ऑरिजिनल कांग्रेस है वो इंडिपेंडेंस वाला जो कांग्रेस है वो कांग्रेस ओ ही है ना नेक्स्ट हम ग्रैंड अलायंस के बारे में डिस्कस करते हैं सो so, इंदिरा गांधी जी के मैटर को और ज़्यादा वर्स बनाने के लिए और ज़्यादा ख़राब बनाने के लिए जितने भी मेजर नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज थे सो so वो लोग आपस में यूनाइट होते हैं और अपना एक इलेक्टोरल अलायंस फॉर्म करते हैं एंड उसी इलेक्टोरल अलायंस को ग्रैंड अलायंस कहा जाता है सो so इस अलायंस में हमें काफ़ी सारे नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस पार्टीज़ देखने को मिलता है जैसे कि एस एस भारतीय जनसंघ स्वतंत्रता पार्टी एंड भारतीय क्रांति दल सो so ये सारे जो अपोजिशन पार्टीज थे वो एक ही अम्ब्रेला के अंडर में आ गए यानी कि एक ही ग्रुप में वो लोग सारे ही अपोजिशन पार्टीज यूनाइट हो गए सो नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन के इलेक्शन में हमें कांग्रेस आर वर्सेस कांग्रेस ओ वर्सेस ग्रैंड अलायंस देखने को मिलता है न नेक्स्ट हमें इंदिरा गांधी के स्लोगन एंड प्रोग्राम के बारे में बता रखा है फॉर द इलेक्शन ऑफ नाइन्टीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन सो ये जो न्यू कांग्रेस था यानी कि जो कांग्रेस आर था जो इंदिरा गांधी जी का जो कांग्रेस था सो so, उस कांग्रेस के पास कुछ ऐसा था जो कि उनके ओपोनेंट्स के पास नहीं था सो न्यू कांग्रेस के पास एक इशू था एक मुद्दा था एक एजेंडा था और एक पॉजिटिव स्लोगन था नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन के इलेक्शन के लिए सो so, जो ग्रैंड अलायंस बना गया था ओपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा सो so उनके पास कोई भी एक लॉजिकल कोई भी एक मीनिंगफुल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था अगर वो लोग सरकार बनाते हैं अगर वो लोग पावर में आते हैं सो so उनके द्वारा कंट्री में क्या कुछ किया जाएगा कंट्री के भलाई के लिए सो so, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड उनके द्वारा कोई भी प्रोग्राम को नहीं बनाया गया था सो so, इंदिरा गांधी जी ने यह कहा कि मेरे जितने भी अपोजिशन अलायंस है सो so उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन प्रोग्राम है वो है इंदिरा हटाओ दैट इज़ रिमूव इंदिरा यानी कि अपोजिशन पार्टीज़ का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है एक ही एम है कि जैसे भी हो 1971 के इलेक्शन में हमें इंदिरा गांधी जी को सरकार से हटाना है सो so, ये लोग इसलिए पावर में नहीं आना चाहता है ताकि वो कंट्री में डेवलपमेंट करे बल्कि ये लोग इसलिए पावर में आना चाहता है ताकि वो इंदिरा गांधी जी को पावर से रिमूव कर सके सो so, ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहा कि एंड इसके कंपैरिजन में इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव प्रोग्राम को रखा गया जिसका फेमस स्लोगन है गरीबी हटाओ दैट इज रिमूव पोवर्टी सो इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया लोगों को कि अगर मैं दोबारा से पावर में आ जाती हूँ देन हम अपने कंट्री में गरीबी को हटाएंगे पोवर्टी को सो so, इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया लोगों को कि अगर मैं दोबारा से पावर में आती हूँ अगर मैं नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन के इलेक्शन को जीत जाती हूँ सो so मैं कंट्री में डेवलपमेंट करूँगी कंट्री में जो पॉवर्टी है जो गरीबी है सो so मैं उसको हटाऊँगी सो so, इंदिरा गांधी जी के द्वारा अगेन खासकर हमारे कंट्री में जो डाउन सेक्शन है सो so उन सारे लोगों के ऊपर फोकस किया गया सो so, इंदिरा गांधी जी के द्वारा काफ़ी सारे पॉजिटिव प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया इंदिरा गांधी जी ने 1971 के इलेक्शन को जीतने के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम्स के बारे में लोगों को बताया कि अगर मैं जीत जाती हूँ सो so, इन सारे प्रोग्राम्स को मैं फुलफ़िल करूंगी इन सारे प्रोग्राम्स को मैं इंट्रोड्यूस करूंगी जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने पब्लिक सेक्टर के ग्रोथ के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया इसके अलावा इंपोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी सो अर्बन प्रॉपर्टी के ऊपर एंड लैंड होल्डिंग्स के ऊपर सीलिंग्स को लगाया जाएगा यानी कि एक अपर लिमिट को सेट किया जाएगा सो so, इसके बारे में बताया गया इसके अलावा लोगों के बीच में इनकम और अपॉर्चुनिटीज में जो डिफरेंसेस है सो so, इसको रिमूव किया जाएगा एंड जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था अबाउट द प्रीवी पर्स यानी कि प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को जो प्रिविलेजेस दिया जाता था उसी को प्रीवी पर्स कहा जाता है सो so, इसको भी एबॉलिश किया जाएगा इसको भी हटाया जाएगा सो so, ये सारी पॉजिटिव प्रोग्राम्स इंदिरा गांधी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया नाइनटीन के इलेक्शन के लिए एंड इंदिरा गांधी जी के कंपैरिजन में उनके जितने भी अपोजिशन पार्टीज थे सो so उनके पास ना ही कोई इशू था ना ही कोई एजेंडा था और ना ही कोई पॉजिटिव स्लोगन था सो so, इंदिरा गांधी जी के इसी इलेक्शन इशू इलेक्शन एजेंडा एंड इलेक्शन स्लोगन की वजह से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कि इंदिरा गांधी जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे एंड नाइनटीन के इलेक्शन में उनकी पार्टी को ही वोट दे रहे थे नैक्स्ट हमें इंदिरा गांधी जी के सपोर्टर्स के बारे में बता रखा है सो so, इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये जो स्लोगन दिया गया दैट इज़ गरीबी हटाओ सो so, इस स्लोगन के साथ इंदिरा गांधी जी कोशिश कर रही थी टू जनरेट अ सपोर्ट बेस एमोंग द डिसएडवांटेज पीपल सो हमारी कंट्री में जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है सो so वो बेसिकली डिसएडवांटेज ग्रुप से ही बिलोंग करते हैं जिनको ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं मिलता है जैसे कि लैंड लेस लेबरर्स दलित आदिवासी माइनॉरिटीज रिलीजन या फिर कास्ट के जो लोग होते हैं वेमेन एंड अनएम्प्लॉयड यूथ सो ये सारे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारी कंट्री में सो so, इनके सपोर्ट के ऊपर फोकस किया गया यानी कि इंदिरा गांधी जी अपने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इन सारे लोगों का सपोर्ट चाहती थी सो so, इसी वजह से इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का जो स्लोगन है वो दिया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा सोशलिस्ट प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस किया गया जिसके थ्रू ये जो डिसएडवांटेज ग्रुप है सो so, इन सारे ग्रुप्स का सपोर्ट इंदिरा गांधी जी को मिल सके सो so, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था जो कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा फॉलो किया गया सो so, गरीबी हटा का जो स्लोगन है एंड इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस स्लोगन के अंडर में जितने भी प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया सो so वो सब कुछ इंदिरा गांधी जी का एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था फॉर बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट बेस वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिले मुझे सो so इसी वजह से उनके द्वारा इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को रखा गया सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कम्प्लीट होता है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द आउटकम एंड आफ्टर सो इस टॉपिक में हमें नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में बता रखा है और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद क्या होता है उसके बारे में बता रखा है सो नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन का लोकसभा का जो इलेक्शन था सो so उसका रिजल्ट उतना ही ज़्यादा ड्रामेटिक था उतना ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था जितना कि इलेक्शन को कंटेस्ट करने का डिसीजन था यानी कि नाइनटीन सेवनटी टू के जगह पे नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटी वन में ही कंट्री में लोकसभा का इलेक्शन हो गया सो so, ये डिसीजन जितना ज़्यादा ड्रामेटिक था जितना ज़्यादा सरप्राइजिंग था सो so उतना ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हमें इस इलेक्शन का रिजल्ट भी देखने को मिलता है सो so, नाव अब हम लोग रिजल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं सो so, सबसे पहले हम लोग कांग्रेस आर ने एंड सीपीआई ने मिल अपना जो अलायंस फॉर्म किया था सो so उनको क्या रिजल्ट मिलता है सो so उसके बारे में डिस्कस करते हैं सो कांग्रेस आर एंड सीपीआई का जो अलायंस था सो so उन्होंने मिलकर उतना ज़्यादा सीट्स एंड वोट्स को जीता था जितना कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पिछले चारों जनरल इलेक्शन में नहीं जीता था यानी कि हमारी कंट्री में जो चार जनरल इलेक्शन हुए थे फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सो so, चारों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को इतना ज़्यादा वोट एंड इतना ज़्यादा सीट नहीं मिला होगा जितना कि कांग्रेस पार्टी एंड सीपीआई के अलायंस को फिफ्थ जनरल इलेक्शन में सीट्स एंड वोट्स मिला सो so, अगर हम लोग इन अलायंस की बात करें यानी कि दोनों के कंबाइंड रिजल्ट की बात करें सो so, सी पी आई एंड कांग्रेस आर को टुगेदर थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव सीट्स मिले थे लोकसभा में एंड दोनों ने मिलकर करीब फोर्टी एट पॉइंट फोर परसेंट वोट्स को जीता था एंड अगर हम लोग इंडिविजुअली सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी के कांग्रेस आर की बात करें सो कांग्रेस आर ने इंडिपेंडेंटली 352 सीट्स सीट जीते थे एंड 44 परसेंट पॉपुलर वोट्स को जीते थे खुद से सो so इस जीत के साथ इंदिरा गांधी जी का जो कांग्रेस पार्टी था दैट इज कांग्रेस आर सो कांग्रेस आर ने ये प्रूव कर दिया कि कांग्रेस आर ही रियल कांग्रेस है एंड कांग्रेस आर ने दोबारा से इंडियन पॉलिटिक्स में कांग्रेस का जो डोमिनेंट पोजीशन था उसको रिस्टोर कर दिया सो so, इंदिरा गांधी जी के द्वारा कहा गया कि मेरा जो कांग्रेस 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 पार्टी है R, so है दैट इज आर सो वो रियल एंड कांग्रेस ओ जो है वो ओल्ड कांग्रेस है बट वो रियल कांग्रेस नहीं है क्योंकि कांग्रेस आर को ही मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिला मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिला सो so इससे तो ही पता लगता है कि जो रियल कांग्रेस था जिसको पहले इतना ज्यादा सीट्स एंड वोट्स मिलता था उतना ही वोट्स एंड सीट्स कांग्रेस आर को मिला सो so, इसके थ्रू इंदिरा गांधी जी ने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा जो कांग्रेस है वही रियल कांग्रेस है जिस कांग्रेस के ऊपर लोग भरोसा करती है ना नेक्स्ट अगर हम लोग कांग्रेस ओ के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें सो so, कांग्रेस ओ पार्टी जिस पार्टी में काफ़ी सारे ओल्ड लीडर्स थे काफ़ी सारे पॉपुलर लीडर्स थे सो so, कांग्रेस ओ पार्टी को जितना इंदिरा गांधी जी के सरकार ने वोट जीता था सो so, उसके वन फोर्थ वोट्स ही मिले एंड सिर्फ और सिर्फ सिक्सटीन सीट्स ही मिले सो so, पहले लोगों को ये लग रहा था कि कांग्रेस ओ ही रियल कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस ओ में ही ओ लीडर्स थे बट इस रिजल्ट के बाद ये प्रूफ हो गया कि कांग्रेस ओ में सिर्फ और सिर्फ वो सारे लीडर्स है बट कांग्रेस का जो रियल पावर था सो so वो कांग्रेस आर के पास है एंड नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग ग्रैंड अलायंस के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें सो अपोजिशन पार्टीज़ का ये जो ग्रैंड अलायंस था सो so, ये एक ग्रैंड फेलियर रहता है सो सारी अपोजिशन पार्टीज मिल 40 से भी कम सीट्स को जीतते हैं 40 से भी कम सीट्स को सिक्योर करते हैं सो so, इसी के साथ 1971 के इलेक्शन में हमें इंदिरा गांधी जी का जीत देखने को मिलता है कांग्रेस आर की जीत देखने को मिलती है एंड दोबारा से इंदिरा गांधी जी ही हमारी कंट्री में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनती है सो so, ये तो हम लोगों ने नाइनटीन के इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया ना नेक्स्ट हमें 1971 के इलेक्शन के बाद क्या होता है इंडिया में उसके बारे में बता रखा है सो so, 1971 के लोकसभा इलेक्शन के बाद हमें ईस्ट पाकिस्तान में जिसको आज के टाइम पीरियड के दौरान बांग्लादेश कहा जाता है सो ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस होता है सो जिस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि नाइनटीन के टाइम पीरियड के दौरान इंडिया में इलेक्शन चल रहा था सो उसी टाइम पीरियड के दौरान ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे सो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले एंड इसके बारे में आप लोगों ने अपने फोर्थ चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है बांग्लादेश वार को सो ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था सो so उसकी वजह से हमें इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक वार देखने को मिलता है नाइनटीन में एंड इसी वार का रिजल्ट निकलता है द स्टेबलाइजमेंट ऑफ बांग्लादेश सो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट हो जाता है एंड ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है बांग्लादेश के नाम से सो so इस इवेंट के बाद इंदिरा गांधी की जो पॉपुलैरिटी थी इंडिया में पाकिस्तान में बांग्लादेश में सो so वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन के टाइम पीरियड के दौरान इंदिरा गांधी जी ही हमारी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी एंड उनके लीडरशिप में ही कंट्री ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में वार को जीता था सो so इस वजह से इंदिरा गांधी जी की और भी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होती है एंड इवन जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स थे सो so वो भी इंदिरा गांधी जी के स्टेटमैनशिप को एडमायर करते थे यानी कि इंदिरा गांधी के पास ये जो स्किल है शासन को चलाने का ये जो शासन कला है सो so इसकी प्रशंसा किया करते थे ना नेक्स्ट हमें नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवनटी टू के स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में बता रखा है सो so जैसे कि नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी में लोकसभा को डिजोल्व कर दिया गया था सो so इसी वजह से एक साल पहले यानि कि नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी वन में ही हमारी कंट्री में फिफ्थ जनरल इलेक्शन होता है बट अगर हम लोग स्टेट असेंबलीज की बात करें सो स्टेट असेंबली को तो बट अगर हम लोग स्टेट असेंबलीज़ की बात करें सो स्टेट असेंबलीज़ को तो डिजॉल्व नहीं किया गया था सो so इसी वजह से 1972 में ही हमें सारे ही इंडियन स्टेट में इलेक्शन देखने को मिलते हैं सो so अगर हम लोग स्टेट असेंबली के इलेक्शन की बात करें जो कि 1972 में हुआ था सो so इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी थी दैट इज़ कांग्रेस आर सो कांग्रेस आर ऑलमोस्ट सारे स्टेट में जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है सो सारे स्टेट के स्टेट असेंबली इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की ही जीत होती है सो इसी वजह से इंदिरा गांधी जी न सिर्फ हमारे कंट्री में जो पुअर एंड जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं सो उनके प्रोटेक्टर के रूप में नजर आई बल्कि साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी एक बहुत ही स्ट्रांग नेशनलिस्ट लीडर भी थी सो इंदिरा गांधी जी के जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे चाहे हम लोग पार्टी के अपोजिशन लीडर्स की बात करें यानी कि कांग्रेस पार्टी में ही इंदिरा गांधी की जो अपोजिशन लीडर्स थे उनकी बात करें या फिर पार्टी के बाहर के अपोजिशन लीडर्स की बात करें सो so, इंदिरा गांधी जी के लिए उनकी अपोजिशन कोई मायने नहीं रखता था कोई मैटर ही नहीं करता था इंदिरा गांधी जी को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो किसी भी अपोजिशन लीडर्स को वैल्यू ही नहीं दे रही थी उनके लिए कोई भी अपोजिशन लीडर्स उनकी बराबरी ही नहीं कर पा रहा था इसीलिए वो किसी और को वैल्यू ही नहीं दे रही थी कोई अपोजिशन लीडर्स उनके लिए मैटर ही नहीं करता था सो so, दो सक्सेसिव यानी कि एक के बाद एक इलेक्शन विक्ट्रीज के बाद सबसे पहले तो सेंट्रल लेवल पे यानी कि 1971 में लोकसभा के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी की पार्टी को जीत मिलती है एंड दूसरा स्टेट लेवल पे 1972 में जब ज़्यादातर स्टेट्स में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था सो इंदिरा गांधी जी के पार्टी को ही वहाँ पे भी जीत मिलती है एंड इसका मेन रीज़न आप कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी के लीडरशिप में इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट में वार जीता था सो so इस वजह से इंदिरा गांधी जी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई सो so इसी वजह से नाइनटीन के इलेक्शन में भी इंदिरा जी को मिला। so, इन दो गांधी जी ने का जो डोमेशन था उसको री स्टोर किया सो नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन में जब हमारी कंट्री में स्टेट असेंबली इलेक्शन हुआ था सो so, काफी सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाती है जिन सारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाती है एंड इसी के साथ कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था सो so, वो खत्म हो चुका था बट 1972 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में दोबारा से इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस था उन सारे स्टेट में सो उसको रिस्टोर किया सो so, 1972 के स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट सारी इंडियन स्टेट्स में पावर में आ गई सो कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गया था अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शन सो हमारी कंट्री में जो अलग अलग सोशल सेक्शन है सो so हर एक सेक्शन में कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था खासकर इंदिरा गांधी जी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई एंड सिर्फ और सिर्फ चार सालों में ही इंदिरा गांधी जी के सामने जो दो चैलेंज था सो so, उन दोनों ही चैलेंज को इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरकम किया इंदिरा गांधी जी ने अपना जो लीडरशिप का चैलेंज था सो so उसको ओवरकम किया और साथ ही साथ इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंट पोजीशन था उसको रिस्टोर किया सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कम्प्लीट होता है नाउ इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है री स्टोरेशन।, री स्टोरेशन का मतलब होता है री करना पुनः स्थापित करना सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है सो so, इसमें एक्चुअली ये बताया गया है कि क्या सच में कांग्रेस सिस्टम का री हुआ था वो कांग्रेस सिस्टम जो कि हमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में देखने को मिला सो so क्या कांग्रेस सिस्टम का दोबारा से फिफ्थ जनरल इलेक्शन में री हुआ था सो so, इंदिरा गांधी जी ने ओल्ड कांग्रेस सिस्टम को रिवाइव नहीं किया था बल्कि बहुत सारे तरीकों से इंदिरा गांधी जी ने इस कांग्रेस पार्टी को री किया था यानी कि इंदिरा गांधी जी का ये जो कांग्रेस आर पार्टी था ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू दैट कांग्रेस जो कि हमें इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में देखने को मिला जो कांग्रेस हमें फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन के टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिला सो so, इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी थी दैट इज कांग्रेस आर सो भले ही इस कांग्रेस आर ने उसी सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाइड किया इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी एज इन द पास्ट सो so, पहले भी कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था इसी वजह से कांग्रेस पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलता था सो so, भले ही इंदिरा गांधी जी का ये जो कांग्रेस आर था सो so, इसने भी पॉपुलरिटी के टर्म में वोट्स एंड सीट्स के टर्म में उसी सेम पोजिशन को ऑक्यूपाई किया बट फिर भी इंदिरा गांधी जी का ये जो कांग्रेस आर था सो so, ये एक डिफरेंट काइंड का पार्टी था ये बहुत ही ज़्यादा अलग था न नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये जो न्यू कांग्रेस था दैट इज़ कांग्रेस आर सो कांग्रेस आर पूरी तरीके से कांग्रेस आर में जो सुप्रीम लीडर थी दैट इज़ इंदिरा गांधी सो इंदिरा गांधी के पॉपुलैरिटी के ऊपर ही डिपेंड था यानी कि कांग्रेस आर को जो जीत मिला सो so वो खासकर इंदिरा गांधी जी के की पॉपुलैरिटी की वजह से ही मिला सो इन सम वर्ट ये जो कांग्रेस आर था सो so इस कांग्रेस आर के पास एक वीक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था सो so, अगर आप कांग्रेस आर को पुराने कांग्रेस सिस्टम से या फिर कांग्रेस पार्टी से कंपेयर करोगे जिसके बारे में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था सो so, पुराना जो कांग्रेस पार्टी था सो so, उस कांग्रेस पार्टी में हमें काफी सारे फैक्शंस देखने को मिलते थे बट ये जो न्यू कांग्रेस पार्टी था सो so, इसमें हमें काफ़ी सारे फैक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं जिस वजह से जो अलग अलग तरीके के जो ओपिनियन एंड जो इंटरेस्ट है सो so वो ये जो कांग्रेस आर पार्टी था वो एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं सो चैप्टर नंबर सेकेंड में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेचर के बारे में डिस्कस किया था कि कांग्रेस पार्टी एक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलेशन था कांग्रेस पार्टी में ही काफ़ी सारे फैक्शंस होते थे उन सारे फैक्शंस में ऐसे लीडर्स जो कि अलग अलग विचारधाराओं को रखते थे अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे सो so, सारे जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी में ही इंक्लूडेड थे कांग्रेस पार्टी में हमें अलग-अलग ओपिनियन एंड देखने को फॉलो करने वाले लीडर्स देखने को मिलते थे बट so, ये जो कांग्रेस आर था ये उस कांग्रेस से टोटली totally डिफरेंट था सो so, भले ही कांग्रेस आर ने मेजोरिटी ऑफ सीट्स के साथ फिफ्थ जनरल इलेक्शन को जीत लिया जिस तरीके से पुराना जो कांग्रेस पार्टी था वो जीता करता था बट इस जीत के पीछे जो मेन रीज़न था वो बेसिकली कुछ ही सोशल ग्रुप्स था जैसे कि पुअर पीपल वेमेन दलित आदिवासी एंड माइनॉरिटीज पीपल सो इन सारे डिसएडवांटेज ग्रुप की वजह से ही फिफ्थ जनरल इलेक्शन में कांग्रेस आर को मेजोरिटी ऑफ सीट्स मिलता है बट वो जो पुराना कांग्रेस था सो पुराने कांग्रेस को ना सिर्फ इन सारे लोगों से वोट मिलता था बल्कि दूसरे सेक्शन के जो लोग थे दूसरे जो सोशल ग्रुप्स के लोग थे सो उनसे भी वोट्स मिलता था सो so, इसी वजह से ये जो कांग्रेस था ये डिफरेंट कांग्रेस था दिस वॉज अ न्यू कांग्रेस दैट हैड इमर्ज सो भले ही हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस सिस्टम को री किया है बट इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस सिस्टम के नेचर को पूरी तरीके से चेंज करके उसको री किया है सो कांग्रेस सिस्टम का रीस्टोरेशन तो होता है बट ये जो कांग्रेस पार्टी था ये पुराना वाला कांग्रेस पार्टी नहीं था नाउ एट द लास्ट हमें बता रखा है अबाउट द प्रॉब्लम विद दिस न्यू कांग्रेस सो भले ही ये जो इंदिरा गांधी जी का जो कांग्रेस पार्टी था दैट इज कांग्रेस आर ये जो न्यू कांग्रेस था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था बट फिर भी न्यू कांग्रेस के पास वो कैपेसिटी नहीं था जिसके थ्रू वो सारी टेंशन एंड कंफ्लिक्ट को एब्सॉर्व कर पाए जैसे कि पुराना जो कांग्रेस सिस्टम था जो ओल्ड कांग्रेस था वो किया करता था सो एज आई सेट कि पुराना जो कांग्रेस था सो so, पुराने कांग्रेस में ही ऐसे लीडर्स थे जो कि अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते थे सो so, पुराने कांग्रेस में अगर कन्फ्लिक्ट वगैरह होता भी था सो so, उन सारे कन्फ्लिक्ट उन सारे टेंशन को एकोमोडेट किया जाता था कांग्रेस सिस्टम में ही उन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जाता था एब्जॉर्व किया जाता था बट ये जो न्यू कांग्रेस था इस कांग्रेस के पास उस तरीके का कैपेसिटी अवेलेबल नहीं था एंड इसके अलावा भले ही ये जो न्यू कांग्रेस था सो so, इस न्यू कांग्रेस ने अपने पोजिशन को कॉन्सोलीडेट किया इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी की पोजीशन को एज्यूम किया यानी कि एक ऐसा पोजीशन जिस पोजीशन को पहले किसी भी लीडर ने एज्यूम नहीं किया था यानी कि इंदिरा गांधी जी के पास काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी आ गया काफ़ी ज़्यादा पावर आ गया बट इन सब की वजह से हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन था लोगों का जो एस्पिरेशन था लोगों का जो एम्बिशन था जो अभिलाषा था सो वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ सो so, जब भी किसी लीडर के पास बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल पावर आ जाता है देन धीरे धीरे वो अपने डोमिनेंस को शो करने लगता है वो एक हेजेमनी की तरह परफॉर्म करने लगता है सो so, वही सेम सिचुएशन हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है सो so, इंदिरा गांधी जी ने 1971 के इलेक्शन को खासकर गरीबी हटा का जो स्लोगन है उसके साथ जीता था बट पावर में आने के बाद इलेक्शन को जीतने के बाद भी हमारी कंट्री में गरीबी नहीं हटता है हमारी कंट्री में पॉवर्टी रिमूव नहीं होता है इनफैक्ट आज के टाइम पीरियड के दौरान भी पॉवर्टी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है सो so, जब इंदिरा गांधी जी लोगों के डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाती है सो so, इसकी वजह से लोगों के मन में हमें अनरस देखने को मिलता है लोगों के मन में हमें बहुत ही ज़्यादा एंगर एंड डिससेटिस्फ़ैक्शन देखने को मिलता है कि इंदिरा गांधी जी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं ला पाती है जिस इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की बात उनके द्वारा किया गया था यानी कि गरीबी को हटाने की बात उनके द्वारा किया गया था सो वो हट नहीं रहा है बल्कि वो तो ग्रो हो रहा है सो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से लोगों के मन में इंदिरा गांधी जी के प्रति थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन अराइज होता है यही कहीं ना कहीं एक कारण बन जाता है हमारी कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस का दैट थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन द कंट्री सो हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है सो so उसके एग्जिस्टेंस को एफेक्ट करेगा जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता है इंदिरा गांधी जी के द्वारा एमरजेंसी को इम्पोज किया जाता है सो so इन सारी चीजों के बारे में आप लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे सो विद दिस हमारा चैप्टर नंबर फाइव कंप्लीट होता है चैलेंजेस

This video can end today. So, if you like my way of explanation, then please like my video, share my video with your friends, and please subscribe to my channel for more videos. So, now see you also in my next video. Till then, bye bye and stay tuned to my channel. And thanks for watching my video.